हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो देखिए, बारिश के सीज़न का खूबसूरत सा एक प्लांट है रेन लिली, जो कि कितना खूबसूरत लगता है, हमारे गार्डन के खूबसूरती में चार चांद लगा देता है ये प्लांट। तो ये रेन लिली नाम भी शायद इसलिए क्योंकि ये बारिश में खिलता है और हमारे बारिश में हमारे गार्डन की खूबसूरती को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है रेन लिली। साथ में देखिए बालसम, इस प्लांट को देख के भी ऐसा लगता है कि चलो बारिश आ गई है, बारिश का सीज़न आ गया है। तो बालसम भी अभी बारिश से लेकर पूरे अक्टूबर नवंबर तक फूल खिलते तो हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। और रेन लिली तो है ही, कितना खूबसूरत प्लांट, कितने खूबसूरत फ्लावर्स है इसमें, कितने खूबसूरत लगते हैं। और देखिए कितने गुच्छे गुच्छे में एक साथ बहुत ढेरों ढेरों फूल आते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो उसकी देखभाल हम कैसे करते वही आज आप सभी से शेयर करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी मिट्टी, तो चूँकि हम गमले में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी हम अगर ग्राउंड में लगाए, ज़मीन में लगाए तो ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्लांट को लगा देना है तो उसी से हो जाता है, थोड़ा सा खाद वाली मिट्टी में लगाए तो बस और कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पूरा ग्राउंड भी कवर कर लेता है। और बारिश में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल खिलते हैं, तो बड़े से दरख्त पेड़ के नीचे या फिर ग्राउंड में लगाए तो बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है और बहुत फूल भी खिलते हैं, मल्टीप्लाई भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो चूँकि हम गमले में लगाते हैं तो गमले की मिट्टी में हमें मिट्टी का थोड़ा अच्छा ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छे से फले फूले ये प्लांट। तो उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों इसकी मिट्टी, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा खाद, यानी तीनों को, खाद मिट्टी और रेत को बराबर मात्रा में हमें डालना है। और उसमें थोड़ी सी नीम की खली डालना है, तो नीम की खली तो हर हर प्लांट्स में मैं डालती हूँ, तो वो तो एक तो फंगीसाइड का काम करता है, हमारे पेड़ पौधे में किसी प्रकार का फंगस कीड़े मकोड़े से बचाता है, साथ में बहुत अच्छा खाद भी है, उसमें बहुत पोषक तत्व रहते हैं। तो इन सब का मिश्रण से इसका खाद, उसका मिट्टी तैयार करनी है, उसे में इस प्लांट को लगाना है। चूँकि ये प्लांट तो बारिश में ही इसमें फूल खिलते हैं, तो देखिए बारिश के पहले पहले थोड़ा सा अगर इसमें मिट्टी में खाद डाल दे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद थोड़ी सी डाल दे तो अच्छा रहेगा। तो वैसे इसके मिट्टी तैयार करने के बाद पानी, दोस्तों दूसरे सीज़न में तो इसको पानी डालना है, जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूख जाए तभी पानी डालना है। चूँकि ये वेल्ड्रन मिट्टी तो रहती है तो उसमें पानी तो हमें डालना है, लेकिन इसमें बिल्कुल दलदली मिट्टी नहीं होनी है, नहीं तो इसके रूट रॉट का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमें उसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी और अच्छी वेल्ड्रन मिट्टी ही रखनी है। तो वैसे पॉटिंग मिक्स बनाना, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद और थोड़ी सी नीम की खली में, और इसमें पानी देना है हमें, जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब पानी देना। खाद की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि अभी बारिश में इसमें फूल आते हैं तो बारिश के थोड़ा पहले इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दे एक आध मुट्ठी तो अच्छा रहता है, इसमें पूरे पोषक तत्व रहते हैं इस प्लांट के लिए। तो उसी में डालना है हमें वही खाद। और चूँकि ये प्लांट तो रेन लिली है तो बारिश के पानी में ही, इस बारिश का पानी पड़ने से ही इसमें फूल खिलते हैं दोस्तों। और देखिए इस प्लांट में थोड़े से गुच्छों में इस प्लांट को लगाए तो अच्छा रहेगा, और अच्छा भी लगता है कि गुच्छेदार, मतलब गुच्छों में रहता है ये प्लांट, तो खूबसूरत भी लगता है गमले में और नीचे कहीं पे भी। तो थोड़ा सा ऐसे एक साथ गुच्छे में कई प्लांट्स रहते हैं वैसे करके लगाना है, एक साथ 7-8 या 10-12 प्लांट ऐसे हो तो अच्छा रहता है। तो देखिए हमारे पास ये तीन कलर है, एक तो ये पिंक है, ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, एक ये वाइट है, ये देखिए वाइट कलर के कितने सारे, और ये थोड़ा पर्पलिश है। तो हमने तीन अलग अलग एक साथ ही लगाए हैं, तो आप चाहे तो अलग अलग गमलों में अलग अलग लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों ये देखिए येल्लो कलर है, येल्लो वाला कलर दोस्तों एक फूल 2 दिन रहता है, और इसमें बहुत जल्दी बीज बन जाते हैं, फूल खिलता है ना 2 दिन बाद इससे तुरंत बीज बन जाते हैं। दोस्तों देखिए येल्लो कलर का, इसमें बीज बनते बहुत जल्दी, तो 1 हफ्ते में इसके बीज सूख के तैयार भी हो जाते हैं, फूल 2 दिन रहते हैं, उसके बाद तो उसे आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये वाले प्लांट्स के तो दोस्तों इसमें भी बीज बनते हैं, जैसे ये वाला जो पिंक है इसमें बीज बनते हैं। और नीचे देखिए, नीचे जो है इसके नीचे जो बल्ब रहते हैं छोटे छोटे, बल्ब से डिवाइड होकर नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो इस प्लांट को एक साथ गुच्छों में रहना बहुत पसंद है, मतलब एक साथ 8-10 प्लांट ऐसे रहे गुच्छों में तो फूल भी अच्छे खिलते हैं और अच्छा भी लगता है।
तो अलग अलग गमलों में अलग अलग कलर लगाए, या एक गमले में दो तीन कलर करके ऐसे चार पांच गमले लगाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बिल्कुल ईजी टू केयर, ईजी टू ग्रो, ईजी टू प्रोपगेट है। और बारिश में चूँकि इसमें फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरे सीज़न में दोस्तों अगर बारिश का पानी स्टोर करके रखे तो दूसरे सीज़न में दे तो तभी भी इसमें फूल आ जाएंगे अच्छे से। मतलब इस प्लांट को बारिश का पानी ही चाहिए, ऐसा रहता है इस प्लांट के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है दोस्तों। एक एक गुच्छा, एक एक कलर 20 से 30 रुपीज़ में आ जाता है, उसमें के 7-8 प्लांट्स रहते हैं। तो लेकर आए, अगर हम अभी भी लेकर आएंगे, लगाएंगे तो बारिश में इसमें भर भर के फूल आएंगे। थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है, तो नर्सरी में तो मैच्योर पौधे ही मिलते हैं, तो उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से एकदम फूल खिलते रहेंगे बारिश भर। तो अच्छा भी लगता है ये रेन लिली। और पेस्ट की तो कुछ समस्या नहीं है, इसमें कुछ लगते नहीं है, बस थोड़ी सी इल्ली लग जाती है बारिश में, तो उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इल्ली ना लगे, और लगे तो तुरंत हटा देना है और थोड़ा नीम ऑयल वगैरह डालना है ताकि इसमें ना लगे थोड़ी इल्ली वगैरह कुछ। और बाकी तो कुछ दूसरे पेस्ट लगते नहीं है। तो बारिश का खूबसूरत और अच्छा प्लांट है, इजी टू केयर, इजी टू ग्रो, इजी टू प्रोपोगेट है। तो जैसे ये प्लांट है, इससे अगले साल और भी अधिक हो जाएंगे, इसके बल्ब से नए नए प्लांट्स और इसमें भर जाएंगे। और इस प्लांट को थोड़ा गुच्छों में रहना पसंद है, एक साथ बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ रहना बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है इस प्लांट को। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।